अगर आपने बहुत प्रचार किया तो आपके समर्थकों के घर पर बम बरसाएंगे, पीटेंगे, घर में हिंसा करेंगे इत्यादि इत्यादि। और अगर आप जीत गए तो आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। सर्टिफिकेट तभी देंगे जब आप दस्तखत करो कि आप टीएमसी ज्वाइन करोगे। तो जस्ट टू रिकैपिचुलेट, यू विल नॉट बी अलाउड टू फाइल नॉमिनेशन। इफ यू सक्सीडेड यू विल नॉट बी अलाउड टू कैंपेन अंडर थ्रेट ऑफ किडनैपिंग ऑफ योर चिल्ड्रन। इफ येट यू इंसिस्ट देन योर सपोर्टर्स विल बी अटैक किल्ड विथ इम्प्यूनिटी। एंड नेक्स्ट, इवन इफ यू मैनेज टू विन, you will not be given the victory certificate till you give an undertaking of joining the TMC. ये एक मोटी बात आप जान लें, ये शरण था। दूसरी बात, आप हमारी रिपोर्ट देखेंगे तो हमने हाई कोर्ट के 5 आदेश को कोट किया है। ये काफी इलेबोरेट रिपोर्ट है, शुरू में सिनॉप्सिस भी है कि हाई कोर्ट ने कैसे 5 बार निर्देश दिया है कि चुनाव फेयर होने चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस की पोस्टिंग होनी चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस की पोस्टिंग में गड़बड़ी की गई, सेंसिटिव बूथ की सूची नहीं दी गई, आपको मालूम है। तो उनको मिसप्लेस कराया गया ताकि वो फील्ड में जा नहीं सके। मैं हाईकोर्ट के 1-2 आदेश खाली आपके सामने पढ़ने की आपसे अनुमति चाहता हूं, और जिससे आपको समझ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हाई कोर्ट ने, देखिए मैं एक पढ़ रहा हूं, द स्टेट इलेक्शन कमीशन टू रिव्यू द असेसमेंट प्लान सबमिटेड बाय स्टेट एंड वेयर एवर देयर इज इनएडिक्वेसी ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स इन ऑल सच एरियाज आल्सो द स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल रिक्विजिशन डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज। The requisition shall be done forthwith by the State Election Commission. बाकी और आदेश हुआ, अब फिर देखिए वो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट चला गया, समझे आप इस आदेश के खिलाफ। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट, द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट वुड नॉट कॉल फॉर एनी इंटरफेरेंस इन दीज सर्कमस्टेंसेस, तो उसको डिसमिस किया गया। और ये देखिए, देयरफॉर वी आर, ये हाई कोर्ट का एक और आदेश है, देयरफॉर वी आर ऑफ द व्यू दैट सच डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस फ्रॉम अदर स्टेट्स टू बी इन प्लेस ऑन द डेट ऑफ पोलिंग एंड विल नॉट यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट, देयरफॉर डिहोर्स द नंबर ऑफ पुलिस फोर्सेस व्हिच मे हैव बीन रिक्विजिशन फॉर अदर स्टेट, द स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल इंडिपेंडेंटली असेस द रिक्वायरमेंट एज ऑब्जर्व अर्लियर एंड शुड बी ऑनेस्ट एंड बियरिंग इन माइंड सो एंड सो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट ऑब्लिगेशन। उसके पश्चात फिर कोर्ट का कंटेंट भी हुआ, कंटेंट में भी उनकी जवाब, और देखिए कोर्ट ने एक और आदेश क्या किया, मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिए। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ड्यूटी बाउंड टू प्रिजर्व ऑल रिकॉर्ड्स कंसर्निंग द इलेक्शन इंक्लूडिंग द सीसीटीवी फुटेज एंड शैल बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, ये भी कोर्ट ने कहा। तो कोर्ट के इतने आदेश को हमने इसमें कोट किया है, इन सबों के बावजूद इतनी हिंसा हुई, तो ये हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक था। कई लोग मारे गए, हम लोग उनसे मिले, हम लोग जैसा बताया नॉर्थ बंगाल भी गए थे, साउथ बंगाल भी गए थे, डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है। लेकिन कई लोग जो मारे गए उनकी विधवाएं जब हम लोग उससे मिलकर रोती थीं तो हम सबों के लिए बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। इट वॉज ए पैथेटिक सीन फॉर अस। मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये सारी फोटो, ये सब इसमें सब फोटो सब बकायदे लगी हुई है, 10-15 फोटोग्राफ आपको हम बताना चाहते हैं, जो हम लोग गए थे, सब अस्पताल गए थे, बाकी जगह गए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, और आज मैं आपके माध्यम से अपेक्षा करूँगा कि ये बात देश में जानी चाहिए। बीजेपी कैंडिडेट मधुमिता मंडल वॉज असॉल्टेड बाय टीएमसी वर्कर, हम उसके गांव गए थे 2 किलोमीटर चल करके,
उसकी डॉटर इन लॉ श्वेता प्रेग्नेंट थी, उसके ऊपर इतना हमला किया कि वो मेरे और रेखा जी के एकदम आकर के इतनी रोई, उसका घर तोड़ दिया। वो भागी हुई थी हमारी उम्मीदवार। दुर्गा मंदिर बूथ नंबर 125, एक 13 साल के लोकल बच्चे को फरसा से ऐसा मारा कि पूरा कट गया था उसका। उन्होंने सब देखा, बाकी दुर्गा मंदिर का उन्होंने वो भी कैमरा तोड़ दिया पूरा। सबसे तो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा और दुख भी लगेगा कि बूथ नंबर 179 में शांतनु पात्रा, ये सब आदिवासी हैं, आती पिछड़े हैं, वो बंगाल तमिलनाडु में राजमिस्त्री का काम करता है। वो घर आया था वोट देने और राजमिस्त्री कुछ पैसे बचाया था और एक अच्छा मकान बनवाया। Z News.